विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा टुडे.com, आपका शहर आपके पास। लोकसभा चुनाव में राजनीति पल पल बदल रही है, रणनीतियां भी बदल रही हैं और कई नई रणनीति बन रही है, नए गठबंधन भी बन रहे हैं। राजद के विधायक रहे पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने राजद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही यह घोषणा कर दी है कि 14 मई को वे अपने समर्थकों के साथ जदयू शामिल होंगे और जदयू में वे मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में आयोजित कार्यक्रम में 14 मई को जदयू में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि रणधीर सिंह जो महागठबंधन के तरफ से अब एनडीए की तरफ होंगे। और मेरे लिए चुनाव लड़ना, सांसद विधायक बनना कोई अहमियत नहीं रखता है। मेरा लक्ष्य है महागठबंधन को बिहार समाप्त करना, लोकसभा चुनाव में इस कमिश्नरी में उन लोगों का खाता तक नहीं खुलने देना। ये सब देखते हुए सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। 6 को जो नामांकन का बोले थे वो नामांकन नहीं करेंगे। 14 तारीख को जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता लेंगे हम लोग 1 बजे पटना कार्यालय में। उससे पहले हम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से जाके मिल लिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आओ बेटा, ये तुम्हारा पुराना घर है, अपने पुराने घर में आओ और पूरे जिला में बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए तुम आगे बढ़ो। सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर नीतीश कुमार जी चलते हैं, इसलिए हमको ये पार्टी पसंद भी है। 14 तारीख को ये पार्टी हम ज्वाइन करेंगे और महागठबंधन को समाप्त करने के लिए जिला कमिश्नरी और पूरे बिहार में जहाँ तक सक्षम है घूमकर महागठबंधन को समाप्त करने का काम करेंगे। और एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे एनडीए से महाराजगंज के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिंगरीवाल को मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रमंडल में एक भी सीट राजद नहीं जीत पाएगी, इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि जनार्दन सिंह सिंगरीवाल के साथ वे मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे। महागठबंधन को हराने की बात तय है, उनका नुकसान करना है तो हमें तो उनको जो हराएगा उसका साथ देना ही है, बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। अब देखिए, मंच साझा करना ना करना 14 के बाद की चीज है। महागठबंधन को हराने के लिए हम लोग कोई भी काम करेंगे। अब यह तय हो गया है कि जदयू में रणधीर सिंह जाएंगे और 6 तारीख को जो उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि 6 मई को वो नामांकन करेंगे, वे नामांकन अब नहीं करेंगे और वे जदयू के साथ इस चुनाव में प्रचार करेंगे। और उनका कहना है कि बिहार की सभी सीटों पर उनके इस निर्णय का असर पड़ने वाला है और जहां भी आरजेडी लड़ रही है वो हर जगह पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। छपरा टुडे.com, विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा टुडे.com, आपका शहर आपके पास।